नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ट्रक ट्रांसपोर्टरों की बैठक रही बेनतीजा। परिवहन मंत्री ने कहा, सीएम और वाणिज्य कर मंत्री से चर्चा के बाद जल्द हल होगी समस्या। मध्य प्रदेश में बसों और ट्रकों के संचालन को लेकर परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत और परिवहन आयुक्त मुकेश जैन और बस ट्रक ऑपरेटरों के बीच हुई बैठक में चर्चा हुई, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला। मध्य प्रदेश में बसों और ट्रकों के संचालन को लेकर परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत और परिवहन आयुक्त मुकेश जैन और बस ट्रक ऑपरेटरों के बीच बैठक हुई। ज्यादातर मामलों में मुख्यमंत्री से चर्चा करके ही कुछ निर्णय होगा, ऐसा कहा गया। परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत ने कहा कि बस और ट्रक ऑपरेटरों ने अपनी मांगें रखी हैं। उनमें कोरोना काल में बंद के दौरान टैक्स माफी और डीजल पेट्रोल में वैट टैक्स कम करना प्रमुख है। इनमें सीएम और वाणिज्य कर मंत्री से ही चर्चा करने के बाद कुछ तय होगा। वहीं ट्रक और बस ऑपरेटर संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। ज्यादा की जानकारी के लिए आइए देखते हैं सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। बैठक थी होना जो थी, आज मुख्य रूप से ट्रक एसोसिएशन वालों से बात हुई है और जो उन्होंने अपनी मांग रखी है, हमने कहा है कि जो मांगे आपकी जिनाइन होंगी, जो भी मांग ऐसी है कि जो हम सरकार कर सकती है, उसकी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और जो भी ट्रक वालों के हित में होगा वो हम निर्णय करेंगे। पिछली बार भी ट्रक वालों की लाइफ लाइन टैक्स की बात आई थी, उन्होंने कहा था कि लाइफ लाइन टैक्स जो है ना, वो हम एक मुश्त ना देकर हम उसको किस्तों में देना चाहते हैं, तो उसमें हमने विचार किया और उनको किस्तों में लाइफ लाइन टैक्स का स्वीकार कर लिया था। अभी कुछ लोगों के और सुझाव आए हैं, डीजल में भेंट की बात आई है, तो वो तो हमने कहा कि हम माननीय वाणिज्य कर मंत्री जी के साथ में लगेंगे, उनके अधिकारी बैठेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ लोगों का सुझाव आया है कि जो नई गाड़ी खरीदते हैं, नई गाड़ी खरीदने में भी लाइफ लाइन टैक्स में हमको एक मुश्त लेकर किस्तों में किया है, तो उसमें हम विचार करेंगे। तो उसके बाद में बस वाले आए थे, तो बस वालों की मांग भी थी। बस वालों का कहना है कि हमारी बसें जो 4 महीने से खड़ी हैं और कोई व्यापार नहीं हो रहा है, रोड पर बसें नहीं चल रही हैं, इसका हम वो चाहते हैं कि हमारा टैक्स जो है ना, रूटीन टैक्स जो हमारा, वो माफ़ कर दिया जाए। तो मैंने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। उनका जो सोच था कि नहीं, हमें बस वालों के साथ में कुछ रियायत करना चाहिए, तो मुझे खुशी इस बात की है कि मुख्यमंत्री जी भी जो भी मांगे संभव हो सकती है उन मांगों में सहयोग करेंगे। और मैं जैसे ही सागर से जाऊंगा तो 2-4 दिन में समय देकर बात करूंगा और जो भी संभव होगा इनकी मांगें पूरा करने का प्रयास करूँगा। आज मंत्री महोदय जी से मीटिंग हुई है, हमारी जो मांगे थी हमने उनको अवगत कराया गया और निवेदन किया कि हमारी मांगों को तुरंत प्रभाव से घोषणा करें, पर सिर्फ आश्वासन ही मिला है। बाकी डीजल की जो थी वो कहने लगे ये मुख्यमंत्री जी करेंगे और वाणिज्य कर में मैं बात करूंगा जगदीश देवड़ा जी से और आपका कुछ ना कुछ इसमें निराकरण करवाएंगे। ऐसे ही जो हमारी दूसरी मांग थी बॉर्डर की, कि बॉर्डर पे बहुत अवैध वसूली होती है, उसके लिए उन्होंने बोला मैं ठीक करता हूँ और जो भी अधिकारी होगा उसको हम सस्पेंड करेंगे। और त्रैमासिक टैक्स के लिए जो हमारी मांग थी कि जब लॉकडाउन में हमारी गाड़ियाँ नहीं चली हैं तो उसका हमारा को टैक्स भरने का अधिकार नहीं है और पेनल्टी भी नहीं होना चाहिए, तो वो भी आश्वासन दिया है कि मैं शासन से बात करके उसका निराकरण करवाऊँगा। मतलब कोई ठोस जवाब हमको नहीं लगा, सिर्फ आश्वासन से ही पेट भर दिया है। स्थानीय मांगों को लेके उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। स्थानीय मांगों को लेके अभी ये 3 दिवसीय जो था वो लॉकडाउन परिवहन का, वो स्थानीय मांगों को लेके नहीं था। स्थानीय मांगे हम लोगों ने उसमें शामिल की थी, उसमें उन लोगों ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि उसकी अलग से मीटिंग करेंगे। लेकिन जो हमारी प्रमुख मांगी थी जिसको लेके लॉकडाउन हुआ था और आगे हड़ताल हो सकती है, अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो ये बात तय है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। अगर मुख्यमंत्री के मिलने के बाद परिवहन मंत्री
और फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कोई ठोस डिसीजन नहीं दिया गया तो आगे आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। स्थानीय मुद्दों पर बैठक थी जी, हड़ताल को लेकर कल ही आप लोगों ने घोषणा कर दी कि हड़ताल खत्म हो गई जी, आज क्या प्रमुख मांगे आपने रखी है और उनके बारे में क्या निराकरण? आज मंत्री जी से जो है सबसे पहले तो डीजल पे जो अपना बेट टैक्स है और जो टैक्स जो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं जिससे कि अपने मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राजस्व का नुकसान हो रहा है, क्योंकि टैक्स की कीमत इतनी होने से डीजल के रेट जो है बहुत कम बढ़ गए हैं। जैसे पड़ोसी राज्य हैं, यूपी है, वहाँ 8 रुपये रेट सस्ते हैं तो पूरे ट्रक वाले जो है यूपी से अपना डीजल भरवा रहे हैं, तो अल्टीमेटली नुकसान जो है वो राजस्व का अपने MP गवर्नमेंट को हो रहा है। तो हम लोगों ने कहा कि ये सिर्फ ट्रक वालों की मांग नहीं है, ये आपका पॉलिसी मैटर है और आपको जो है MP में टैक्स कम करके रेट इतने कर देना चाहिए कि हमको पड़ोस से लेना नहीं पड़े बल्कि पड़ोसी हमारे दर से डीजल ले जाए, तो राजस्व जो है अपना MP गवर्नमेंट का बढ़ेगा। और दूसरा, हम लोगों ने ये कहा था कि साहब परिवहन जो चौकियाँ हैं वहाँ भ्रष्टाचार होता है और गाली गलौज करते हैं, आप अपनी हेल्पलाइन नंबर दीजिए, उनको बंद कीजिए। और जैसे अपन इधर से दिल्ली तक जाते हैं तो कहीं नहीं मिलेगा आपको MP भर में जो है परिवहन चौकी मिलेगी, और ना UP में है ना दिल्ली में। और हाँ, मंत्री जी ने ये कहा कि हम ये चूँकि वाणिज्य का मैटर है तो हम वाणिज्य मंत्री से चर्चा करके और फिर हम डीजल पे कुछ ना कुछ करेंगे। और हम लोगों ने एक मांग और उठाई थी कि इनको कोविड बीमा दिया जाए जो ट्रक वाले हैं और ड्राइवर कंडक्टर को, तो उन्होंने कहा ये स्कीम अभी फिलहाल सरकारी कर्मचारियों के लिए है, प्राइवेट में अगर आती है तो वो भी प्रोवाइड करेंगे। और एक मांग हम लोगों की ये भी थी कि ट्रक हम लोगों के चूँकि लॉकडाउन में खड़े रहे तो उसकी जो तिमाही है वो माफ़ कर दी जाए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम 2 तिमाही के बारे में चर्चा करेंगे और उसको हम जो है ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो कह रहे थे मंत्री जी, हम मुख्यमंत्री साहब से चर्चा करने के बाद ही जो है कुछ डिसाइड करेंगे। आप क्या निर्णय लेंगे? हम लोगों ने यही कह दिया है कि साहब हम लोग एक महीने तक जो है इसको देखते हैं, नहीं तो फिर आगे अनिश्चितकालीन हड़ताली जो है देशव्यापी हो गई।